हेलो एवरीवन, स्वागत है पैसेंजर राव साहब पे। और देखिए आज हम लोग कहां पर आ गए हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को केदारनाथ की सैर कराऊंगा। तो चल पड़े हम दोनों, मैं और मेरा स्कूल फ्रेंड, अपनी रॉयल एनफील्ड हंटर पे दिल्ली से केदारनाथ की ओर। रास्ते में मज़ा तो बहुत आया। रास्ते में पड़ा ये धारी देवी का मंदिर। हम मंदिर में अंदर तो नहीं जा सके क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मगर बाहर से ही हमने दर्शन कर लिए और बड़ा ही आनंद आया। धारी देवी के मंदिर का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। कुछ फोटोएं खिंचवाई हम लोगों ने और चल दिए आगे। वही वाह, क्या सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। ये चेक करो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और अब तो धूप भी आ गई। धूप में थोड़ा सा आराम मिल रहा है ना, नहीं तो हवा बहुत ठंडी है। अगला देखने लायक पॉइंट था देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। दो अलग अलग तरह के जल आप देख सकते हैं, अलग अलग रंग के। ऐसा लगता है जैसे दो बहनें गले मिल रही हैं। नज़ारे देखो, नज़ारे कितने सुंदर नज़ारे। पहाड़ों के नज़ारे तो अलग ही हैं भाई। लैंडस्लाइड जोन, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है भाई, और पहाड़ ऐसे बिल्कुल ऊपर सीधे खड़े हुए। सामने ही बर्फ के पहाड़ हैं। इन बर्फ के पहाड़ों के पास ही हम लोग जा रहे हैं और बड़े मजे आ रहे हैं। क्या बात है, क्या नजारे हैं भाई, वाह। ये है रुद्रप्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। ये भी देखने लायक जगह है बहुत। ये संगम स्थल हम चले पहाड़ों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है, अब क्या करें, चलो। अभी हम हैं अगस्त मुनि, एक जगह पड़ती है केदारनाथ से पहले। अगस्त मुनि में हम लोग हैं और देखिए मेरे पीछे किस तरह से अलकनंदा नदी बह रही है, कितना सुंदर नज़ारा है। और सामने अगर आप देखोगे तो सामने बर्फ़ के पहाड़ भी थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरा जस्टिस कर पाए तो सामने बर्फ़ के पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। ये देखो अगस्त मुनि का सुंदर नज़ारा। अलकनंदा कितने वेग से बह रही है। और ये हमारी राइड है सामने, जिस पे हम दिल्ली से आए हैं, हंटर 350। ये आई है पहली पहाड़ों की झलक, बर्फ के पहाड़ों की झलक। इसका मतलब ऊपर बर्फ पड़ रही है काफी। शानदार रुकने की जगह है रास्ते में, नहीं जैसे एक ये भी है, नया बनाया लग रहा है। नजारे नजारे, शानदार नजारे भाई, वाह। केदारनाथ जाने से पहले थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लेते हैं ताकि वापसी में दिक्कत ना हो। ये दिख रहे हैं बर्फ के पहाड़। अब दिखेगा ये रहा,
ये है जी गुप्त काशी। हम लोग पहुंच गए हैं गुप्त काशी में। ये गुप्त काशी का मेन स्टैंड है और ये धर्मशाला है। पिछली बार हम लोग इस धर्मशाला में रुके थे। ये सामने जो धर्मशाला है ना, इसमें रुके थे पिछली बार हम। यहाँ से आपको सवारी मिल जाएगी कहीं भी जाने के लिए। ये गुप्त काशी की मेन मार्केट है, यहाँ पे आपको सारा सामान मिल सकता है। कोई भी जरूरत का सामान चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा केदारनाथ जाने से पहले। आपने गोप्रो लगा रखा हो ना। ये देखो दोस्तों क्या शानदार झरना है केदारनाथ के रास्ते में। इतने शानदार झरने के पास हम लोग रुके हुए हैं। मैं ठीक से दिखाता हूँ आप लोगों को। काफी ऊंचाई से आ रहा है ये झरना और इतना खूबसूरत नजारा है कि बस मजा ही आ गया देख के। ये हमारी राइड खड़ी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। झरने के पास रुक के चाय और फैन के मजे। भाई वाह, यही तो है असली मजा जो हमारे कुछ दोस्तों ने खो दिया। ये एक और मुश्किल कर दिया इन्होंने कि ये ऊपर सोनप्रयाग पार्किंग में जाने नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यहीं पे नीचे सीतापुर पार्किंग में ही जहाँ पे बस स्टैंड है वहीं पे ही अपनी गाड़ी लगाओ। अब सारा सामान हमने नीचे उतार लिया है। ये देखो सारा सामान हमने नीचे उतार लिया है और ये जा रहा है बाइक लगाने के लिए। तो जी चल पड़े अपने अपने बैग उठा के सोनप्रयाग की तरफ। अभी 2 किलोमीटर सोनप्रयाग तक पैदल चलना है। हर हर महादेव।